गाइस आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए जर्सी मूवी के ट्रेलर का रिएक्शन। एंड ये जो जर्सी है ये शाहिद कपूर की जर्सी है 2021 की, 2018 की जो नानी की जर्सी है वो नहीं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जो अगर हिंदी बॉलीवुड के फैंस हैं जिनको शायद नहीं पता है, तो ये 2018 नानी की मूवी थी और नानी बहुत ज़बरदस्त एक्टर है, तेलुगु एक्टर है, उनकी मूवी है ये। एंड मैं कह सकता हूँ कि अगर शाहिद कपूर ने थोड़ा सा भी उनके जैसा किया या उनके कहीं भी 80% भी किया ना, तो ये मूवी कमाल की होने वाली है। वो मूवी ऐसी थी वो आपको इतना इमोशनल कर देती थी। लाइक ये सारे नॉर्मली लड़कों में होता है कि लाइक हर किसी को स्टार्टिंग में ग्रो अप होता है, इंडिया में तो होता ही है कि आपको एक क्रिकेटर बनने का शौक होता है, तो उसी के अराउंड ये स्टोरी है। एंड किस तरीके से वो एज अ फादर सन रिलेशनशिप और हर चीज़ कैसे वो पैन आउट होती है, लाइक मैं कुछ शेयर नहीं करना चाहूँगा इसलिए, बिकॉज ये बहुत ही कमाल की मूवी है। मैं देखने को तड़प रहा हूँ कि कैसे शाहिद कपूर इसमें करते हैं, बिकॉज शाहिद कपूर ने भी रिसेंटली अर्जुन रेड्डी का रीमेक किया था कबीर सिंह में, एंड उसमें उन्होंने बहुत अच्छा किया था, लाइक पूरा पैन इंडिया वो छा गया था। ये भी ऐसी मूवी है जो बहुत कमाल की कही थी तेलुगु सिनेमा के अंदर, तो देखते हैं अब ये इंडियन सिनेमा में कैसे परफॉर्म करती है। ये मूवी के राइटर एंड डायरेक्टर है गौतम तिन्नामूरी, एंड ये रिलीज होने वाली है 31 दिसंबर यानी न्यू ईयर के टाइम ये रिलीज होने वाली है। सो होप करते हैं कि ये अच्छी चले भी, बिकॉज ये नानी जी की मूवी की रीमेक है, तो होप कर लाइक शाहिद कपूर है तो एक्सपेक्टेशंस भी हाई है कि उन्होंने ऑफ कोर्स बहुत अच्छी लेवल से उन्हें रीमेक बनाया होगा मूवी को। और ऊपर से ये मूवी एक्चुअली काफी टाइम पहले लाइक कोविड के पहले थिएटर्स में रिलीज हो जाने वाली थी, बट ऑफ कोर्स वो हो नहीं पाई और अब ये 31 दिसंबर को 2021 में रिलीज होने वाली है। देखते हैं कि इसका ट्रेलर कैसा होगा। वैसे क्रिकेट के ऊपर और एक MS धोनी जी के ऊपर भी मूवी बनी थी, वो भी मूवी बहुत अच्छी थी, सबको बहुत पसंद आई थी, बिकॉज उनका भी उसमें अच्छे से स्ट्रगल देखने को मिला था, जानने को मिला था। अब ये देखते हैं कि ये मूवी ये ट्रेलर कैसा रहने वाला है। और साथ में मेनली चीज ये है कि एक नॉर्मल रीमेक नहीं है। नॉर्मल हम जो इंडिया में मतलब जैसे हम देखें बॉलीवुड में हम कहते हैं कि रीमेक्स बहुत ज्यादा बनती है, ये वो है, ये रीमेक वैसा रीमेक आप नहीं कह सकते, बिकॉज इसको खुद वही प्रोडक्शन हाउस बना रहा है जिन्होंने जर्सी बनाई, एंड साथ में इसका डायरेक्टर और सब वही सेम है, तो क्या वो एसेंस हमेशा सेम फॉलो करेगा? एंड साथ में वो जो है अपने यहाँ जो उनकी चली हुई चीज है वो यहाँ पोर्ट्रे करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से ये एक थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ रीमेक है जैसे कबीर सिंह का हुआ था, वो चीज देखते हैं। तो भाई ये देखते हैं कैसा होता है, आप भी देखो हम भी देखते हैं, लेट्स विद्या किट्टू के लिए बर्थडे गिफ्ट लेना है। टीवी के पास करंट बिल के 100 रुपीज रखे, आज भी पे नहीं किया ना तो कट कर देंगे। किट्टू ने आज तक कभी कुछ नहीं मांगा मुझसे, मुझे 500 रुपए चाहिए विद्या। वो जितना मांग रहा है उतनी कमाई है नहीं। मुझे पता है तुम्हारे अकाउंट में पता है, ठीक है नहीं देना मुझे। कितनी होए प्रैक्टिस के बाद किसी का बर्थडे गिफ्ट भी तो लेना है। सच में जर्सी खरीद के दोगे ना पापा? प्रॉमिस हो गया देख लो, अब आप प्रॉमिस तोड़ नहीं सकते, चांस ही नहीं है। ये तो सेम लड़का है जो उस जर्सी में भी था। पैसे चाहिए थे यार, उसने जर्सी मांगी है मुझसे, 500 दिए। अपने घर में अपनी बीवी से चोरी कर रहे हो तुम, हर रोज लगता है कि इससे ज्यादा नहीं गिर सकते तुम, बट यू प्रूव मी रॉन्ग एवरी सिंगल टाइम। ऐसे देखती हूँ ना तो सब लगता है कि मेरी वजह से हुआ। यू लिसनिंग टू मी, मेरी तरफ देखो एटलीस्ट। कभी एक बढ़िया क्रिकेट प्लेयर और अब एक लूजर। एक असिस्टेंट कोच की जगह खाली है क्लब में। वो ग्राउंड छोड़ गया सर? छोड़ा नहीं, भागा था तू वहां से। ये वो पास्ट जब वो एक जबरदस्त क्रिकेटर थे। आखिरी बार खुश तभी देखा था मैंने तुझे। नूर न रुख दे साबी न मुख दे के अग बन गया। मैंने अपने पूरे करियर में तुझसे बेहतर बैट्समैन नहीं देखा। तेरी जगह तो टीम इंडिया में थी। तुम कितनी भी कोशिश कर लो अब कुछ नहीं होने वाला। You had your chance and it's over now. मेरा सबसे बड़ा डर जानती है, जी मैं यूं ही रह गया ना तो वो भी मुझे वैसे ही देखेगा जैसे बाकी सब देखते हैं, उसकी नजरों में इससे कतरा भी कम मैं होने नहीं दूंगा विद्या। जोरदार एक्टिंग है शाहिद की यार। सुपर यार। फुली लिव अप कर रहे हैं उसको। ये बेस्ट सीन है इस मूवी का। इट्स टाइम फॉर यू टू डिसाइड तुमको लाइफ में क्या चाहिए, एंड इफ यू चूज क्रिकेट हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। मैं
कमाल किया यार। अगर हम सिर्फ ट्रेलर तक बात करें ना, तो ट्रेलर में फुली लिव अप कर रहे हैं यहाँ पे शाहिद कपूर, बहुत कमाल की एक्टिंग की है। वैसे शाहिद कपूर की एक्टिंग हमें पता ही है, हैदर जैसी मूवी होगी, कबीर सिंह जैसी मूवी होगी, वो बहुत ही अच्छा निभाते हैं। एंड सेम इस मूवी के अंदर था, बहुत कमाल का। इस मूवी में ऐसा ही है कि लाइक वो जवानी का वो एक अलग लुक है, एंड साथ में फिर थोड़ा जब वो शादी कर लेते हैं तब एक अलग लुक है। एंड वो जो वो था ना, वो मोमेंट जब वो उस तरीके से उनकी बीवी उनको कह रही थी कि लाइक नहीं देना पैसे, और वो उस तरीके से कर रही, तो उसमें वो जैसे वो डाउन फील करवाने वाला जो उनकी एक्टिंग थी वो बहुत सही था। ऐसा लग रहा था कि लिटरली खुद को ऐसा हर्ट हो रहा था कि लाइक कोई तुम्हें इस तरीके से बोल रहा हो एंड वैसा हो रहा हो, बट वो भी अलग अलग सर्कमस्टांसेस थे, वो आप मूवी देखोगे तो आपको पता चलेगा, बहुत ही कमाल की थी। एंड साथ में फिर उनके जो क्रिकेटिंग सीन था वो एक वो मेरे को पार्ट बहुत चला ट्रेलर का, जिस तरीके से एकदम से ग्लिम्स आया ना कि जैसे ही उनके कोच ने बोला कि तू छोड़ा नहीं था तू भागा था, एंड वहीं पे एकदम से वो ग्लिम्स आया और फिर वापस से उन्होंने ब्रेक मार दिया। तो उस तरीके से यहाँ पे ट्रेलर भी बहुत अच्छे से बनाया गया, कट किया गया कि लोगों के अंदर अच्छे एक्सपेक्टेशन आए एंड कि कमाल की मूवी आप जरूर देखने जा रहे हैं। मेरे को लगता है यहाँ पे ना थोड़ा सा ज्यादा करने की कोशिश की है, लाइक आपने देखा है जैसे कबीर सिंह के अंदर भी यही था कि वो अर्जुन रेड्डी से थोड़ी सी ज्यादा स्पाइस्ड अप थी, वैसे ही सेम इसके अंदर मेरे ख्याल से मेरे को देखने को मिल रहा है। तो देखेंगे मूवी में क्या होता है। यस, ये मूवी में एक्चुअली मुझे तो शाहिद कपूर का ना लुक बहुत ज्यादा अच्छा लगा, ऊपर से एक्टिंग तो ऑफकोर्स उनकी बहुत अच्छी होती है, वो हर मूवी में प्रूव कर देते हैं अपनी एक्टिंग को। और एक्चुअली जो आप बात करो ना, जिस तरीके से ग्लिम्स दिखाया गया एकदम से वो क्रिकेट का, लाइक पहले उनका अलग ही जो बाद का फेज था, स्ट्रगल जो बाद में कर रहे थे वो, और अपने बेटे को जो जर्सी दिलाने वाले थे वो सब दिखाया, उसके बाद से एकदम से जब वो क्रिकेट का ग्राउंड दिखाया ना, ऐसे वो एक लाइक बहुत सारे वो पार्टी में जो नहीं होता वो दिख रहे थे, तो वो बहुत ही अच्छा लुक था। और फिर बाद में एक के बाद एक उनके शॉट्स दिखाए गए क्रिकेट में खेलते हुए, वो काफी अच्छे, तो इससे पता लग रहा था कि पहले कितने बड़े क्रिकेटर थे और अब पता नहीं ऐसा क्या हुआ होगा। लाइक मैंने तो पहली वाली जर्सी भी नहीं देखी तो मुझे तो नहीं पता, बट आई विल लिटरली वॉच दिस मूवी कि क्या हुआ होगा ऐसा, तो कि इतनी जो थी सिचुएशन चेंज हो गई। बट ऑफकोर्स उन्होंने एनी हाउ अपने बेटे को तो जर्सी दिलाया, अपने बेटे को भी वो उनसे अच्छा शायद और क्रिकेटर बनाएंगे। बट वही जो मुझे लग रहा है कि गौतम तिन्नामूरी ने ही ये दोनों मूवी डायरेक्ट की है, लाइक पहले वाली जर्सी भी और ये वाली भी, तो मुझे लग रहा है कि इसमें अभी भी उन्होंने बहुत सारे चेंजेस डाले ही होंगे, बिकॉज वो सेम डायरेक्टर है, तो वो ये तो नहीं करेंगे कि एकदम कॉपी कर दे, एकदम वही चीज लोग देखे वापस से। मुझे लिटरली देख के ही लग रहा है कि उन्होंने ऑफकोर्स बहुत सारे चेंजेस लाए होंगे, और ये मूवी अगर जिसने देख रखे पहले वाली भी ये अगेन अगर वो देखे तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा, बहुत डिफरेंट लगेगा। मुझे ट्रेलर तो वैसे बहुत पसंद आया और मूवी भी आई विल वॉच इट। भाई जो भी सारे तेलुगु फैंस हैं वो लोग जरूर बताएगा कि आप लोगों को ये मूवी का कैसा लगा, बिकॉज आप लोग कंपेयर कर पा रहे हो नानी को और उसको बहुत आराम से अच्छे से कंपेयर कर पा रहे हो। मेरे को तो लाइक मेरे को शायद कपूर की एक्टिंग काफी अच्छी लगी और लग रहा है कि लाइक वो मैच कर पाएंगे नानी का लेवल। एंड साथ में मेनली है कि लाइक इसमें ट्रेलर के अंदर देखा था जैसे उनको थप्पड़ पड़ा ना, वहां से उनका कहीं ना कहीं कह सकते हैं मोमेंटम चेंज हुआ एंड फिर वो कुछ ना कुछ चेंज करते हैं अपना को। और दूसरा वो मूवमेंट था जब अपने वो बच्चे के लिए कहते हैं कि भाई मैं उसको ये नहीं ऐसे नहीं देखने दूंगा जैसे मेरे को बाकी लोग देखते हैं और जिस तरीके से लोग देखते हैं, तो वो दोनों मूवमेंट ऐसा है जो मेरे ख्याल से हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी आता है, तो उसके बाद वो चेंज लाएंगे। सो ये हर कोई इस मूवी से रिलेट कर पाएगा। 31 दिसंबर की मूवी आने वाले, न्यू ईयर पर धमाका करेगी। सो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट से जरूर बताएगा, और इसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।